इसको कंप्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लास की तरह ट्रीट करेंगे. तो वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, लॉग 16 बेस 2 क्वेश्चन मार्क. क्या होना चाहिए बोलिए, लॉग 16 बेस 2 का क्या होना चाहिए आंसर? सर सबसे पहले हम लोग क्या कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई, बेस का ही कुछ पावर नंबर होगा, बेस का ही कुछ पावर नंबर होगा. तो 2 टू द पावर 1 2 2 स्क्वायर 4 2 क्यूब 8 2 टू द पावर 4 16. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, लॉग 2 टू द पावर 4 बेस में 2, पावर सामने आ जाता है नंबर का, सिंस बेस एंड द नंबर इज सेम वी विल गेट आंसर एज 1. सम नंबर 1, इज इट क्लियर? यहां पर हम लोग ने दो प्रॉपर्टी यूज किया है, एक लॉग m टू द पावर n बेस में a इज n लॉग m बेस a, और दूसरा लॉग a बेस a इक्वल्स टू 1. ये सारे प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए हैं. इस क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. नेक्स्ट, लॉग बेस में 3/2 है, लॉग बेस में 3/2 है और यहां पर है 3.375. तो मैंने टेक्निक क्या बताया था, मैंने टेक्निक क्या बताया बताइए, बेस का ही कुछ पावर जल्दी बोलिए, बेस का ही कुछ पावर क्या होगा, नंबर होगा. तो 3/2 टू द पावर 1 इज 1.5, 1.5 का स्क्वायर इज 2.25 और यही 1.5 का क्यूब अगर आप करने जाएंगे, करिए कैलकुलेटर में, इट इज कमिंग टू 3.375. तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, लॉग 3/2 होल क्यूब बेस में 3/2, 3 सामने आ जाएगा, लॉग 3/2 बेस में 3/2, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3. बोलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? 2 भी क्लियर है, यस और नो? मुंह से कुछ बोल, हाँ बोलिए. चलिए थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है थर्ड पार्ट. लॉग 0.0625 टू द बेस 2. क्या करना होगा यहां पर, एक चीज समझो, 2 टू द पावर 1 क्या होता है, 2, 2 टू द पावर 0 क्या होगा, 1, 2 टू द पावर माइनस 1 विल बी हाफ, दैट इज 0.5. 2 टू द पावर माइनस 2, दैट इज 0.25. 2 टू द पावर माइनस 3, दैट इज 1/8, 0.125.
2 टू द पावर माइनस 4 1 बाय 16। कैलकुलेटर में करिए, 1 बाय 16 कितना आता है? कैलकुलेटर में 1 बाय 16 करिए, 0.0625 आ रहा है, हाँ या ना? सिक्सटीन का रेसिप्रोकल इज 0.0625। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं? लॉग बेस में 2 टू द पावर माइनस 4, तो माइनस 4 सामने आ जाएगा, लॉग 2 बेस 2, माइनस 4 इंटू 1 इज माइनस 4, माइनस 4 इंटू 1 इज माइनस 4। माइनस 4 इंटू 1 इज माइनस 4। वी आर डन टिल दिस एग्जाम्पल? यस। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 4, लॉग 27 बेस में रूट 3। अब जब भी रूट का सम आएगा तो रूट के पावर में अगर ऑड है तो आउटपुट में हमेशा रूट रहता है, और अगर रूट के पावर में इवन है तो आउटपुट से रूट हट जाता है। ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए है। अगर रूट के पावर में ऑड पावर रहेगा तो रूट रहेगा, और अगर इवन पावर रहेगा तो रूट हट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉग रूट 3, इसको 3 का क्यूब लिखेंगे। अब 3 सामने आ जाएगा, लॉग 3 रूट 3। अब क्या 3 को मैं लिख सकता हूं रूट 3 का स्क्वायर? फिर से मेरा 2 सामने आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा? रूट 3 बेस रूट 3। 6 इंटू 1, 6 इज द आंसर। दिस इज वन वे, दिस इज वन वे इन विच वी कैन डील विद द सम। दिस इज वन वे इन विच वी कैन डील विद द सम। देर इज वन मोर वे। वन मोर वे क्या है? पहले प्रॉपर्टी लिखिए, जो नंबर का डिनोमिनेटर है वो पावर में p बाई q हो जाएगा। ये लॉग m बेस a नंबर का पावर न्यूमरेटर बन जाता है, नंबर का जो पावर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और बेस का जो पावर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। नंबर का जो पावर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और बेस का जो पावर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग 3 टू द पावर हाफ और यहां पर 3 का क्यूब, नेक्स्ट में 3 डिवाइडेड बाय हाफ, लॉग 3 बेस 3, हाफ ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1, 6। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज अ ऑल्टरनेटिव वे।
दिस इज अ ऑल्टरनेटिव वे ऑफ डूइंग दिस सम. नंबर का जो पावर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और बेस का जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. टिल क्वेश्चन नंबर 4, आर द थिंग्स क्लियर? यस और नो? आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? यस. इफ यू गाइज डोंट स्पीक देन हु विल स्पीक? फाइन, नेक्स्ट. अब मान लो रूट ओवर फाइव ऐसे करके इन्फिनिटी तक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा बच्चा पार्टी? अगर रूट ओवर फाइव इन्फिनिटी तक है तो इसका वैल्यू क्या होगा? सर एक काम करिए, लेट ए इक्वल्स टू रूट ओवर फाइव .. इन्फिनिटी. तो ए का स्क्वायर में एक रूट हट जाएगा, लेकिन फिर से क्या मैं सेम चीज लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक है. तो मेरा नेक्स्ट स्टेप में हो गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5a और ए स्क्वायर माइनस 5a इक्वल्स टू 0 और a इंटू ए माइनस 5 इक्वल्स टू 0. तो जब हम लोग लिख रहे हैं ऐसा a इंटू ए माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसका दो आउटपुट है, आइदर ए इक्वल्स टू 0 और ए माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और ए इक्वल्स टू 5. अब ए 0 हो नहीं सकता तो ए का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 5. ए का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 5. ए का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 5. इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 0, देन आइदर और बोथ ऑफ द नंबर्स आर इक्वल्स टू 0. इफ ए इंटू बी इक्वल्स टू 0, देन आइदर ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0 और ए बी बोथ आर जीरोस. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए रूट ओवर ट्वेंटी .. इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या होगा बच्चा बाटी? अगर रूट ओवर ट्वेंटी .. इन्फिनिटी तक आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा बोलिए. यू हैव टू स्पीक अप. ट्वेंटी होगा ना, इसका आंसर हो जाएगा 20. ठीक है. सिमिलरली इसका कॉन्सेप्ट प्लस में भी है, जैसे पिछले सम में तो इनटू था ना बीच में ऑपरेटर, अगर प्लस में रहेगा तो
जो भी नंबर दिया हुआ है उसको कॉन्जिक्यूटिव में ब्रेक करना है, कॉन्जिक्यूटिव में ब्रेक करना है. फाइव एंड फोर जो बड़ा वाला रहेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा. और सिमिलरली अगर बीच में माइनस रहता है तो भी नंबर्स को ब्रेक करना है कॉन्जिक्यूटिव में. छोटा वाला विल बी द आंसर. इसको भी उसी कॉन्सेप्ट से किया जा रहा है, लेट ए इक्वल्स टू, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि इसको सॉल्व करके दिखाया जाए. तो जो भी नंबर पे आएगा ये सम, जो भी नंबर पे आएगा ये सम, उसको हम लोग को कॉन्जिक्यूटिवली ब्रेक करना है. जो भी नंबर पे आएगा ये सम, उसको हम लोग को कॉन्जिक्यूटिवली ब्रेक करना है. कॉन्जिक्यूटिवली ब्रेक करने के बाद प्लस के केस में बड़ा वाला आंसर होता है, माइनस के केस में छोटा वाला आंसर होता है, इनटू के केस में जो दिया हुआ है वही आंसर होगा. इनटू के केस में जो दिया हुआ है वही आंसर होगा. अब सिर्फ एकमात्र बच जाता है डिवाइड. तो 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय डॉट 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 इंफिनिटी आंसर होगा गिवन नंबर का क्यूब रूट. आंसर विल बी 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 गिवन नंबर का क्यूब रूट. आई होप एवरीवन इज डूइंग येस और नो. आप कर रहे हैं कि नहीं? हा ना कुछ तो बोलिए. वेरी गुड. आगे बढ़ूं? अब एक सवाल है, log 16 base a equals to 4. Find a. We know that if a to the power x equals to n, then log n base a equals to x. तो इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूं 16 equals to a to the power 4 और a equals to plus minus 2. क्योंकि प्लस 2 टू द पावर 4 भी 16 होता है और माइनस 2 टू द पावर 4 भी 16 होता है. सिंस a कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि बेस में है ना, देयरफॉर a इक्वल्स टू प्लस 2.
देयरफॉर ए इक्वल्स टू प्लस टू, देयरफॉर ए इक्वल्स टू प्लस टू। सिंस एन बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम लोग इसका आंसर प्लस टू कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा बचपन का कॉन्सेप्ट, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर होता था तो एक्स को हम लोग प्लस माइनस टू लिखते थे, हम लोग कभी भी एक्स को खाली प्लस टू या माइनस टू नहीं लिखे। अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है तो बात अलग है, बट जनरली इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर देन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस टू, देन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉग एक्स बेस टू प्लस लॉग एक्स बेस फोर इक्वल्स टू सिक्स। सबसे पहला बात, यहां पर हम कोई एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेस सेम नहीं है, तो सबसे पहले मेरे को बेस को सेम करना होगा। तो बेस को सेम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लॉग एक्स बेस टू प्लस फोर को टू का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में लॉग एक्स बेस टू प्लस हाफ लॉग एक्स बेस टू, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो पावर होता है वो डिनोमिनेटर सॉरी बेस का जो पावर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। नाउ आई कैन टेक लॉग एक्स बेस टू कॉमन, तो मेरा क्या बन रहा है, और 3 बाई टू लॉग एक्स बेस टू इक्वल्स टू सिक्स, और लॉग एक्स बेस टू इक्वल्स टू सिक्स इंटू टू बाई थ्री, और लॉग एक्स बेस टू इक्वल्स टू फोर, और एक्स इक्वल्स टू 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 द पावर फोर। तो मेरा आंसर आ गया एक्स इक्वल्स टू सिक्सटीन, मेरा आंसर आ गया एक्स इक्वल्स टू सिक्सटीन, मेरा आंसर आ गया एक्स इक्वल्स टू सिक्सटीन। मेरा आंसर आ गया x इक्वल्स टू सिक्सटीन। कुछ भी करने के लिए सबसे पहले बेस को बराबर करना होगा, अगर बेस बराबर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। और यहां पर फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लगा है, इफ a टू द पावर x इक्वल्स टू n देन log n बेस a इक्वल्स टू x, इफ a टू द पावर if a to the power n equals to x then log n base a equals to 6। बोलिए यहां तक क्लियर है सभी को? यस, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कोई कुछ बोलना वाला है? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, यस और नो? चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इजी है।
सेवन लॉग 16 बाई 15 प्लस फाइव लॉग 25 बाई 24 प्लस थ्री लॉग 81 बाई 80 तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, यस और नो? हाँ या ना? कि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है? Yes. कौन सा वाला कैलकुलेटर अलाउड है? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर कुछ भी बेस नहीं दिया हुआ है तो मान के चलो बेस इज ई, और से फॉर एग्जाम्पल बेस को 10 मान लो, बेस को 10 मान लो, ठीक है? हम लोग बेस को 10 मान के आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा लॉग बेस में 10, 16 बाई 15 होल टू द पावर 7 प्लस लॉग बेस में 10, 25 बाई 24 होल टू द पावर 5 प्लस लॉग बेस में 10, 81 बाई 80 होल टू द पावर 3। बोलिए सही लिखा मैंने? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ऑल द फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल वाइस वर्सा। अगर नंबर का पावर कोएफिशिएंट बन सकता है तो कोएफिशिएंट रेसिप्रोकेट होकर नंबर का पावर बन सकता है। नाउ सिंस द बेस इज सेम लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी विल बिकम लॉग ए बी सी। लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इक्वल्स टू लॉग ए बी सी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ना, आप कौन सा वाला कैलकुलेटर यूज करते हो? कोई जवाब नहीं आया मेरे को। क्या कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है? मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर बेसिकली। इट इज बेसिकली अ साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो ये क्या पूरा एक्सप्रेशन साइंटिफिक में टाइप हो सकता है ब्रैकेट यूज करके? हाँ या ना? क्या ये पूरा एक्सप्रेशन साइंटिफिक में हम लोग टाइप कर सकते हैं ब्रैकेट यूज करके? यस। टाइप करके देखो कितना आ रहा आंसर, मतलब 2 बच रहा है ना। बेसिकली आपका आउटपुट में बच रहा है लॉग 2 बेस 10 विच इज 0.3010 लॉग 2 बेस 10 विच इज 0.3010। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स में ब्रेक करके कैंसिलेशन मेथड भी कर सकते हैं, बट क्या फायदा? जब मेरे पास एक यंत्र है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, व्हाई विल आई नॉट यूज दैट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माय टाइम? इजेंट इट यस और नो?
आगे बढ़े। वन बाय लॉग एबीसी बेस में एबी, वन बाय लॉग एबीसी बेस में बीसी, वन बाय लॉग एबीसी बेस में सीए। लास्ट क्लास से हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि लॉग ए बेस बी को वन बाय लॉग बी बेस ए लिख सकते हैं। जब हम लोग रेसिप्रोकल करके लिखते हैं द नंबर एंड द बेस गेट्स इंटरचेंज्ड। तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, लॉग ए बी बेस में ए बी सी प्लस लॉग बी सी बेस में ए बी सी प्लस लॉग ए सी बेस में ए बी सी। नाउ सिंस द बेस इज सेम, नंबर्स विल गेट मल्टीप्लाइड, इट इज कमिंग टू लॉग ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज नथिंग बट ए बी सी का स्क्वायर। तो टू लॉग ए बी सी बेस में ए बी सी, टू इंटू वन टू। जो सम्स अपने औकात का नहीं होगा उसको अपनी औकात में लाएंगे, जो सम्स अपने औकात का नहीं होगा उसको अपनी औकात में लाएंगे। This sum was specifically with respect to change of base. ये change of base का sum है, change of base, ये change of base का sum है। नेक्स्ट लॉग बी बेस ए प्लस लॉग सी बेस ए इक्वल्स टू जीरो और लॉग बी सी बेस ए इक्वल्स टू जीरो और बी सी इक्वल्स टू एट ओवर जीरो और बी सी इक्वल्स टू वन। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता, आंसर क्या हो सकता है, अगर BC का वैल्यू बोलेगा तो मेरा आंसर जीरो होगा, अगर B और C के बीच में रिलेशनशिप पूछ दिया तो हम लोग बोल सकते हैं B एंड C आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। क्योंकि B को 1 बाई सी लिख सकते हैं, C को 1 बाई बी लिख सकते हैं, यस और नो? तुमको अगर BC का वैल्यू पूछेगा तो आंसर 1 आएगा, सॉरी तुमको अगर BC का वैल्यू पूछेगा तो आंसर 1 आएगा। तुमको और B और C का रिलेशनशिप पूछेगा तो हम लोग बोल सकते हैं B एंड C आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। स्पेसिफिकली तुमको बोल सकता है बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क वन बाई सी और सी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क वन बाई बी।
हो सकता है क्वेश्चन सेम आ जाए बट पूछ कुछ और रहा है। हो सकता है क्वेश्चन सेम आ जाए बट पूछ कुछ भी सकता है। बोलिए यहां तक किस किसने किया है? चलो शो सम थम्स अप इमोजी, थोड़ा एक्टिव रहिए क्लास में। अरे वाह, एक दो, थोड़ा मुस्कुरा कर दिखाइए, पास अ स्माइल। हाँ वेरी गुड, सिर्फ एक ही बच्चा को हंसी आ रहा है, बाकी चलो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सवाल बहुत सिंपल सा है, बोल रहा है इफ लॉग ए प्लस बी बाई फोर इक्वल्स टू हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी, फाइंड ए बाई बी प्लस बी बाई ए। इफ लॉग ए प्लस बी बाई फोर इक्वल्स टू हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी, फाइंड ए बाई बी प्लस बी बाई ए। तो हम लोग गिवन कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, लॉग ए प्लस बी बाई फोर इक्वल्स टू हाफ लॉग ए बी, अज्यूमिंग दैट द बेस इज सेम, और ए प्लस बी बाई फोर इक्वल्स टू ए बी टू द पावर हाफ। दोनों साइड में लॉग हटा दिए, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू ए बी। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल्स टू 16 ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 14 ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल्स टू 14। अलग अलग कर दीजिए, ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। अलग अलग कर दीजिए, ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन में भी आस्क्ड फॉर ए माइनस बी ऑल्सो, सिमिलर क्वेश्चन में भी आस्क्ड फॉर ए माइनस बी ऑल्सो, सिमिलर क्वेश्चन में भी आस्क्ड फॉर ए माइनस बी ऑल्सो। ठीक है, तो ये नोट कर लो, सिमिलर क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फॉर ए माइनस बी होल स्क्वायर ऑल्सो। अब बहुत बार रिक्वायरमेंट होता है प्राइम नंबर्स में ब्रेक करने का, तो 144 को ब्रेक करो, 144 को ब्रेक करो, 272, 236, 218, तो चार बार आ रहा है 2 और दो बार आ रहा है 3। एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा 144 का, यही आएगा।
अब क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, 4 log 2 प्लस 2 log 3। पहला बात तो सर इनटू था, बोल के प्लस हो गया, पावर में था, बोल के कोएफिशिएंट में आ गया। आपको ये स्टेज अचीव करना है, इनटू था, बोल के प्लस में आ गया, पावर में था, बोल के कोएफिशिएंट में आ गया। बोलिए, यहां तक क्लियर है? यस। चलिए, इतना क्वेश्चंस आपको रिवाइज करना है अच्छे से, मैं ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट डे हम लोग और भी बेटर प्रैक्टिकल्स के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे ये सारे क्वेश्चंस? यस। चलिए फाइन, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास वी विल हैव मोर प्रैक्टिकल।